हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जो आज हम एक हेयर रेमेडी बनाए हेयर ऑयल बनाएंगे, जिसके लिए हमें खोपरे का तेल हमें लेंगे, उसे पैन में हीट करेंगे। आप किसी में भी हीट कर सकते हैं। खोपरे का तेल डालेंगे, उसके बाद हम एक पैन में कलौंजी अच्छे से थोड़ी सेक लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से सेका देंगे। अब जब ये सेका जाएगी तो हम इसे मिक्सर जार में ऐड डाल देंगे। अब इसमें हम इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये कलौंजी का तेल भी बोला जा सकता है, जैसे कि और कलौंजी बहुत फ़ायदेमंद होती है हमारे लिए। अब इसे हम ये कोकोनट ऑयल गर्म हो चुका है, हमें इसमें वन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे अच्छे से। और इसे अच्छे से हीट करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें हम एक दो जोश के लाएंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। फिर जब सेट हो जाएगा तो हम इसमें जैतून का तेल डालेंगे थोड़ा। आप देख सकते हैं, आप इसमें ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, डालोगे तो ज़्यादा अच्छा है। और ये मैंने यहाँ पे कैस्टर ऑयल भी डाला है, ये इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही गाढ़ी होती है, तो ये हम थोड़ा डालेंगे। और इसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम एक जार लेंगे और इसमें पूरा ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसे हम कलौंजी, अगर आप चाहो तो इसे कलौंजी के साथ भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, या आप इसे स्ट्रेन भी कर सकते हो। मैंने इसे साथ में ही ऐड किया है। अब इसे आप टॉप करके एक दो दिन के लिए आप साइड में रख दीजिए, उसको अच्छे से सेट होने दीजिए। फिर आप इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कीजिएगा। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं आपके स्प्लिट एंड, जो आपके बाल गिरते हो, जो भी हो। सो पसंद आए